हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का नया टॉपिक, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑल अबाउट डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कैसे वो कंजर्व रहती है। एंड नेक्स्ट हम आज बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो एक बार हम छोटी सी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि एनर्जी हमने क्या पढ़ी थी। हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक बॉडी जब हमें काम करके दिखाती है, हम कहते हैं कि इसके पास क्या है, एनर्जी है, ठीक है। कोई भी बॉडी, अगर नॉर्मली कहीं भी कोई भी बॉडी बैठी हुई है, हम थोड़ी ही कह सकते हैं कि भाई इसके पास एनर्जी है। जब वो हमें काम करके दिखाएगी, उसी की काम करने की क्षमता से हमें पता चलेगा कि उसके पास एनर्जी है। ज़्यादा काम करके दिखाएगी, ज़्यादा एनर्जी है। कम काम करेगी तो कम एनर्जी है। ऑल्सो हमने ये भी बात करी थी कि जो एनर्जी होती है वो दो टाइप की होती है ना। वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज़ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक के बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। उसके हमने डेरिवेशन वगैरह सब करी थी। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो चुकी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि हमने सभी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, और इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम कहाँ कहते थे कि कहाँ काइनेटिक एनर्जी आती है? जब कोई बॉडी हमें अपनी चल कर दिखाए, ठीक है, कोई बॉडी हमें चल कर दिखाए, मूव करके दिखाए, तो हम कहेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हवा, ठीक है, हवा चल रही है, तो हवा के पास हम कहेंगे भाई उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ओके। लेकिन हवा क्या काम करके दिखा रही है, सच दैट हम उसे कहेंगे कि उसने काम किया तो उसके पास एनर्जी है? हवा तो बस ऐसे चल रही है, ठीक है, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, बट क्या काम करके दिखा रही है सच दैट हम उसे कहें कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? तो जब एक हवा एक विंड मिल के ऊपर फॉल करेगी, ठीक है, फॉल करेगी, तो ये कैसे चलने लग जाएगी, ये मूवमेंट होने लग जाएगी, है ना, मूवमेंट होने लग जाएगी। तो ये क्या करेगी, इसको काम करके दिखा रही है, इसके फैंस को घुमा के दिखा रही है। तो ये हवा इसके फैंस को घुमा के दिखा रही है, तो हम कहेंगे कि हवा के पास क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि हवा के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब पोटेंशियल कहाँ आती है, ठीक है, तो जब कहीं भी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, कहीं भी पोजीशन चेंज करने से किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आती है उसे हम बोलते हैं उसके पास क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं। मान लो एक वाटर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, कुछ हाइट पर ना वाटर है, यहाँ पे ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, हम कहेंगे कि इस वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे, क्या काम करके दिखाया इसने कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? जैसे ये किसी हाइट पे है, वाटर फ्लो कर रहा है, अब ये वाटर जब ऐसे कहीं नीचे गिरेगा, और नीचे हम लगा देते हैं यहाँ पर टरबाइन, ठीक है, तो ये इसके फैंस के ऊपर गिरेगी और ये टरबाइन ऐसे मूव करने लग जाएगी, है ना। तो जब ये मूव करने लग जाएगी टरबाइन, तो हम क्या कहेंगे कि भाई पानी ने काम करके दिखाया है, पानी के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो कौन सी पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ से यहाँ पे फॉल हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है, हम कहेंगे इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये डैम का वाटर हो गया, ठीक है, रिजर्वर्स का वाटर हो गया। सेम चीज़ अगर मैं इस पैन को उठा के यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, पोजीशन मैंने चेंज कर दी, अब इसके पास हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। हम चेक कैसे करेंगे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, जब मैं इसको छोड़ दूँगी ये नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगा पेन, तो जितनी ज़ोर से गिरेगा, उसने नीचे गिर के काम करके दिखाया, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, ये मान लो ये दो पेन, एक को मैंने यहाँ रखा है, एक को मैंने यहाँ रखा है, ठीक है, ये कम हाइट पे है, इसकी पोजीशन मैंने कम चेंज की है, इसकी पोजीशन मैंने ज़्यादा चेंज की है, ये आराम से गिरेगा, ये जोर का गिरा, है ना, किसने काम ज़्यादा करके दिखाया,
इसने काम ज़्यादा करके, क्योंकि इसकी ज़्यादा पोजीशन में हमने चेंज ले आए थे हम, है ना। सेम ये तो हो गया हाइट की बात की हमने उसके ऊपर हम यहाँ तक लेकर गए, वर्क हमने किया, वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया एज पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हमने चेक करा कैसे, इससे काम लेकर, इसको गिरा कर, ठीक है। सेम चीज़ आती है अब एक स्प्रिंग के साथ, ठीक है। मान लो ये एक स्प्रिंग है, अब मैं इसको यहाँ पे धक्का दे रही हूँ, ठीक है। मैंने इसके ऊपर काम करा है, वर्क डन करा है, और इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे इकट्ठा इकट्ठा करके यहाँ तक लाके मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आ चुकी है, पोजीशन चेंज हो गई है ना, इसके अंदर क्या आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब इस एनर्जी को हम कैसे चेक करेंगे, अगर मैं इसके आगे यहाँ पे एक बॉल रख देती हूँ और इसको मैं रिलीज़ कर दूँ, हटा दूँ, और ये स्प्रिंग ज़ोर से इसको धक्का देगा और बॉल कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। तो यही उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसने आगे काम करके दिखाया, तो हम कहेंगे इसके अंदर क्या स्टोर हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मैं ऐसे डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क ऑन इट फॉर चेंजिंग इट्स पोजिशन, शेप या कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम उसकी क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास ये दोनों एनर्जीज हो, है ना, कि वो चल भी रही है और उसके पास कोई ना कोई पोजिशन में भी चेंज है, ठीक है, तो उन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि उस बॉडी के पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसी को ही आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। सो नाउ व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, मैम वाई डू वी यूज़ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से समझिए कि मान लो जैसे मैंने यहाँ पे पेन रखा हुआ है, अब आपके अकॉर्डिंग ये कोई काम नहीं कर रहा, इसके पास कोई भी वर्क डन नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, बट ऐसा नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है जो हमें नहीं पता, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगी तो इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी आ जाएगी। कितनी एनर्जी आ जाएगी, जितनी यहाँ पे होगी और जितनी यहाँ पे होगी, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो उतनी एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ जब पढ़ा था हमें नहीं पता इसके अंदर कितनी एनर्जी है, लेकिन डेफिनेटली है ज़रूर, क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारे यूनिवर्स के अंदर एनर्जी जो है वो कांस्टेंट अमाउंट में है, ना ही एनर्जी क्रिएट होती है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, है ना। तो इसी वजह से हर एक चीज़ के पास क्या है, एनर्जी है, बट कैसी है, किस फॉर्म में है, वो आपको देखना है उससे काम लेकर, ठीक है। और इसको क्लियर करते हैं, पहले इसके ध्यान से एक कंडीशन समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास जो है वो m है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं ग्राउंड से यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ रख देती हूँ, तो कितनी हाइट से उठा के रख दिया, मान लो मैंने h हाइट से उठा के इसको ऊपर रख दिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अ बॉडी मास m इज़ लिफ्टेड अप टू अ हाइट h अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर अ बॉडी ऑफ मास m इज़ लिफ्टेड, ठीक है, अप टू हाइट h अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हमने इसके ऊपर कोई ना कोई काम किया, है ना, कितना काम किया, हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो कितना हमने फोर्स लगाया है, इसको हम उल्टा लेकर गए हैं, यहाँ पे लेके गए हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी लेके, तो मास का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम अगेंस्ट ग्रेविटी लेकर गए हैं, है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी लेकर गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी भी क्या होगी, नेगेटिव की होगी, क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी लेकर गए हैं, तो यानी कि हमने वर्क डन कौन सा किया है, नेगेटिव वर्क डन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने नेगेटिव वर्क डन किया है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस एम जी, और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहाँ से यहाँ तक h, h, तो हमने कितना काम किया है, नेगेटिव वर्क डन किया है एम जी एच, और ये जो वर्क डन हमने किया है, ये वर्क डन इसके अंदर एज एनर्जी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाके हमने इसको लॉक कर दिया, यहाँ पे हम लाके हमने इसको रख दिया। तो हम लिखेंगे दिस कन्वर्ट्स टू
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात, ये तो वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है, इसलिए हमने यहाँ पे रखा ये वर्क डन, इसके अंदर एनर्जी की तरह स्टोर हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन को एक बार के लिए डिच कर दिया है और क्या लिख दिया, सिर्फ एम जी एच रख दिया, ठीक है। नाउ अगेन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जब ये यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा था, हमें नहीं पता कि इसके पास कितनी एनर्जी थी, है ना, हमें नहीं पता कितनी एनर्जी थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो एनर्जी थी, राइट। लेकिन जब हम इसको ऊपर लेकर गए हैं तो इसके अंदर कितनी एनर्जी आ गई है, मान लो यहाँ पर थी इसके पास 10 जूल की एनर्जी थी, यहाँ पर आ गई 15 जूल की एनर्जी, तो ये जो एम जी एच है ना, ये कितनी वैल्यू है, ये है 5 जूल की वैल्यू है, समझ में आ रही है ये बात। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल की बात है, तो ये 5 जूल के इक्वल है, तो इसका ये मतलब है एम जी एच। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल इसके पास इतनी ही एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज बताता है कि जितनी यहाँ पर है, जितनी यहाँ हुई है, इस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो दिस इज, अगर यहाँ पर 10 है, यहाँ 15 है, तो ये जो जितना हमने काम किया है, कितना काम किया है, 5 जूल का काम किया है, जो इसके अंदर एज एनर्जी स्टोर हो गया है। सो एम जी एच को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 5 जूल। Got my point? तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम जब ये यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, इस फॉर्मूले से अगर हम बात करते हैं एम जी एच से, यहाँ पर ही पड़ा है तो हाइट तो यहाँ पर जीरो है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए। मान लो अगर ये टेबल पर पड़ा होता, अगर मैं इसको नीचे गिराऊंगी तो ये नीचे गिर जाएगा, तब भी तो उसके पास हम कहेंगे एनर्जी है, राइट। अच्छा और समझ लो, ये गिर के नीचे आ गया, ज़मीन पर आ गया, बिल्कुल ही ग्राउंड पर आ गया। अब ग्राउंड पे गड्ढा भी तो हो सकता है, ये यहाँ जाके गिर जाएगा, तो फिर कहाँ से आगे इसके पास एनर्जी। आप मेरा पॉइंट समझ पा रही कि किसी भी चीज़ के पास यहाँ पे रखा है, हम नहीं कह सकते कि इसके पास एनर्जी नहीं, इसके पास एनर्जी है। यहाँ पे अगर गड्ढा हो जाएगा तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कैसे गिर जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, इसीलिए गिर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको हम ना एक और तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक तो एक सीन होगा कि हमने इसको उठा के ऊपर रख दिया और इसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज़ करती हूँ, छोड़ देती हूँ यहाँ से, ठीक है, जब मैं इसको छोड़ूंगी तो नीचे किसी ना किसी वेलोसिटी से आएगा, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट किसी ना किसी वेलोसिटी से आएगा, तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं When released, जब हम इसको छोड़ देंगे ऊपर से नीचे, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जिसके पास एम जी एच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो अब ये नीचे आएगा, ग्राउंड पे आएगा किसी न किसी वेलोसिटी के साथ। तो वो कितनी वेलोसिटी होगा, इनिशियली जब वो रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो हमें निकालनी है, कितना डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, h डिस्टेंस कवर करके आ रहा है। ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव g लेना पड़ेगा। तो इन सब को यूज़ करते हुए हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी है, यस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, देख लेते हैं कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। देखो 2 इंटू जी इंटू एच, वैल्यू सब पुट कर रहे हैं, v स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर आ गया 2gh, वेयर v इज रूट 2gh। तो ये क्या आपको फॉर्मूला कहीं ना कहीं दिखाई दिया है, हमने कहीं ऐसा पढ़ रखा है, यस, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था काइनेमैटिक रिलेशन के अंदर, जहाँ पर हमने बात करी थी फ्री फॉल की, किसकी बात करी थी, फ्री फॉल की। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब ऊपर से नीचे गिरता है तो इतनी वेलोसिटी से नीचे गिरता है, गॉट इट। अब तो यहां से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई, स्टोर्ड एनर्जी, जब हमने उसको रिलीज कर दिया उसके पास कुछ ना कुछ क्या आ गई, कनेटिक, उसके पास आ गई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जहां आ जाती है यानी कि उसके पास क्या आ गई है, कनेटिक एनर्जी आ गई है, है ना। तो कितनी कनेटिक एनर्जी आ गई उसके पास, यहां से हम निकालने की कोशिश कर लेते हैं, यहां से निकालने की कोशिश करते हैं कितनी कनेटिक एनर्जी आई है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू
टू जी एच है ना। तो कनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा टू जी एच, टू से टू कैंसिल, तो कनेटिक एनर्जी कितनी निकल आई, एम जी एच। अरे ये क्यों निकल आया हमारे पास, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब हमने इसको स्टोर करके रखा हुआ था, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी एम जी एच, जब हमने उसको रिलीज कर दिया इसके पास कुछ ना कुछ क्या आ गई थी, वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी जब हमने कनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करी, अरे कनेटिक एनर्जी भी कितनी आ गई एम जी एच, यानी कि रिलीज करने के बाद भी यही एनर्जी आई। तो अगर पहले बिना एनर्जी रिलीज किए स्टोर्ड एनर्जी इक्वल टू रिलीज एनर्जी, यानी कि एनर्जी हमारी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। यहाँ से हमें एक नोट मिलता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो हमने अभी अभी देखा कि हमारे पास कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया एम जी एच, जबकि कनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से मैं ना एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे सकती हूँ, क्या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे सकती हूँ, कि पोटेंशियल एंड कनेटिक एनर्जी दोनों सेम ही हैं, बोथ आर सेम थिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, ठीक है, एम जी एच, तो हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो एम जी एच, तो हाइट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, और बॉल रुकी हुई थी तो वेलोसिटी थी नहीं, तो कनेटिक एनर्जी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, हाइट डिक्रीज़ कर रही थी और वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही थी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी कन्वर्ट हो रही थी किसके अंदर, कनेटिक एनर्जी के अंदर। तो अगर मान लो यहाँ पर 10 जूल थी पूरी की पूरी पोटेंशियल, तो यहाँ पर आके दो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, दो हो गई कनेटिक एनर्जी और 8 हो गई पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन टोटल दोनों सेम थी, कन्वर्ट हो रही थी। फिर यहाँ हम कह सकते हैं 5 होगी पोटेंशियल, 5 होगी कनेटिक। फिर नीचे भी हम आप कह सकते हैं 8 होगी कनेटिक, 2 हो गई पोटेंशियल, और यहाँ पे जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड टोटल की टोटल जो हो गई वो हो गई आपकी कनेटिक। तो इस तरीके से पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे किसके अंदर, कनेटिक एनर्जी के अंदर, राइट। तो ये तो हमने देख लिया कि हाँ जी दोनों के दोनों सेम ही बात है। अब यहाँ पर जैसे हमने बात करी कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे से उठाकर मैं ऊपर रख रही हूँ, ठीक है, ये हमने बात करी। तो अब यहाँ पर ना दो केस डिस्कस करते हैं। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ना यहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है इसको भी यहीं पर प्लेस करना है, सेम हाइट है, सेम हाइट है, ये भी एच हाइट है, ये भी एच हाइट है, ठीक है, दोनों का मास भी बिल्कुल सेम है, दैट इज़ एम एम है। अब मैं इस चीज़ को उठाकर मैं अपने हाथ में पकड़ के घुमा के हैंड शेक करके फिर मैं यहाँ पर ला के रखूँ, ठीक है, और इसको मैं सीधा उठा के यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कितना काम किया है, कितना वर्क डन किया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगा है एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है एच हुई है, तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई एम जी एच, इतनी पोटेंशियल क्रिएट हो गई। तो मान लो एच जो है वो 10 मीटर की है, यहाँ पर भी एच जो है वो 10 मीटर का ही है। अब ये मैंने उठा के डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो यहाँ मैंने कितना काम किया, जितना इसका जो वेट है दैट इज़ एम जी, और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है एच डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो इसका भी कितना है एम जी एच है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि दोनों में ही सेम वर्क डन हुआ है, दोनों पे सेम एनर्जी क्रिएट हुई है। अब देख सकते हैं कि यानी कि पाथ का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, ये मैं सांप की तरह इसको उठा के ले गई, यहाँ मैं सीधा स्ट्रेट ले गई, तो दोनों में पाथ का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, दोनों की एनर्जी अभी भी सेम थी। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी पाथ इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि हमारी एनर्जी जो है यहाँ पे पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी ना पाथ के ऊपर, तो पाथ इंडिपेंडेंट था, है ना, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, तो पाथ इंडिपेंडेंस हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करी।
तो इन टाइप में जहाँ पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे हम लेकर गए हैं, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से हमें फ़र्क पड़ता है, उन केसेस में जो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि अब मैं इसको छोड़ूंगी यहाँ से, ठीक है, तो ये डायरेक्ट यहाँ आके नीचे गिरेगी, तो कितने फोर्स से नीचे गिरेगी? विल बी इक्वल टू, यहाँ से जब ये गिरेगी तो ये भी इसका बिल्कुल सेम फोर्स होगा, तो जितने फोर्स से वो नीचे गिरेंगे उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलेंगे। तो एक बार डिफाइन कर देते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस को, तो हम कहेंगे कि द फोर्स विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द पाथ फ्रॉम विच इट इज़ ब्रॉट अप। ठीक है, कि कहाँ से हम उसको लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, उन फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेज बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ग्रेविटी। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटी है, तो मान लो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर सेकंड फ्लोर है। ठीक है, अब यहाँ से ना एक बॉल फेंकनी है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉल फेंकनी है तो उसके लिए हमारे पास फोर्स लगता है 200 न्यूटन। ठीक है, तो ये वही यही ऐसे इस तरीके से, तो ये लगता है टोटल 200 न्यूटन लगता है यहाँ से अगर हमें बॉल फेंकनी है। यहाँ मैंने क्या किया, ये तो मैंने स्ट्रेट फेंक दी, एकदम स्ट्रेट फेंक दी, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फेंक दी, तो स्ट्रेट में क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट में क्या हो जाएगा कि हमारे पास कितना आ गया, फोर्स आ गया 200 न्यूटन आ गया। क्लियर है ये बात? ठीक है, लेकिन अगर मैं इस बॉल को मान लो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे ऐसे घूम के लेकर आती हूँ, फिर मैं स्टेयर्स उतरती हूँ, ठीक है, फिर अब मैं यहाँ से भी घूम के बॉल यहाँ आ गई, फिर अब मैं फिर से स्टेयर्स उतरती हूँ और मैं अब यहाँ पे बॉल को लेकर आती हूँ, तो अब भी ये जो बॉल है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए कितना फोर्स लगा है? 200 न्यूटन। क्लियर है, और सेम वर्क डन हुआ है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये फोर्स कौन सा हो गया? ये फोर्स हुआ आपका पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, और इसे हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही होती है वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो आपकी कंजर्वड रहती है। मैकेनिकल मतलब, मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वड रहती है, यानी कि जितनी इस पोजीशन पे होगी उतनी इस पोजीशन पे होगी उतनी ही इस पोजीशन पे होगी। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन पे लगा लो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब इससे उल्टे भी तो चीज़ें हो सकती हैं, दैट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी तो हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं। तो क्या होते हैं नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होंगे? जो किसके ऊपर डिपेंड करते होंगे? जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते होंगे उसे हम बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको ध्यान से समझिए फ्रिक्शनल फोर्स को। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, मुझे ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेकर आना है। ठीक है, फर्स्ट केस में मैं ले आई बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट खींच के मैं पुल करके इसको ले आई। ठीक है, अब सेकंड केस के लिए क्या है? यही बॉक्स है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पर लेकर आना है, तो मैं पहले ऐसे जाती हूँ, फिर मैं वापस ले आती हूँ, यहाँ बॉक्स रख देती हूँ, यहाँ गई फिर ऐसे वापस ले आई, फिर मैं आगे गई, फिर मैं बॉक्स को पीछे ले आई और फिर मैं आगे गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैं इसको ऐसे घसीटते घसीटते लेकर जा रही हूँ तो फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा। तो यानी कि सेकंड केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा होगा? ज़्यादा। और फर्स्ट केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? कम होगा। राइट, तो यानी क्यों? क्योंकि पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से पाथ है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो इसको टेबल पे मैं लेकर जा रही हूँ स्ट्रेट, और यहाँ पर थोड़ा पत्थर सा है, तो अब मैं उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जा रही हूँ, तो मेरे को किस में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा? सेकेंड केस में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा जहाँ पर स्मूथ सर्फेस नहीं है, तो यानी कि वर्क डन ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है पाथ के ऊपर, जबकि ये स्मूथ पाथ था, इसका फोर्स कम था। तो इस टाइप के फोर्सेस को, जो फोर्सेस पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप के फोर्स। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक स्टेटमेंट दी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी जो होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या रहती है? कंजर्व रहती है।
है ना। तो अब हम मेन डिस्कस करते हैं क्या मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, लेट अस डिस्कस। तो हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये क्या रहती है मैकेनिकल एनर्जी, और वो क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है, दैट मींस कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉल है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ से यहाँ पर गिराया, ग्राउंड पे गिराया मैंने इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना बात करेंगे ए पॉइंट की, और एक यहाँ पे कहीं यहाँ बात कर लेते हैं बी पॉइंट की, और यहाँ हम बात करेंगे सी पॉइंट की। तो जब ये बॉडी को मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रही हूँ, मैं कहूँगी मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस सेम है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। मतलब अगर 10 जूल यहाँ पर है तो 10 जूल ही यहाँ पर है, और 10 जूल ही यहाँ पर है, ये हम प्रूव करेंगे अब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बता देती हूँ मैं कि इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ऑफ मास m, ठीक है। इस बॉडी का मास m है जो a पोजीशन पे पड़ी हुई है, जो पोजीशन जो है h हाइट अबव द ग्राउंड है, h हाइट अबव द ग्राउंड है। और जैसे जैसे वो नीचे गिरेगी, जैसे जैसे वो नीचे गिरेगी तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट पे बात करती हूँ तो ऑब्जेक्ट मेरा रुका हुआ है, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, रुका हुआ है, तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं। और हाइट सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे वो नीचे आएगा हाइट ख़त्म हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि थ्रू आउट द प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है काइनेटिक में, तो पोटेंशियल डिक्रीज करती जा रही है, काइनेटिक इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, लेकिन जो टोटल उनका सम है वो क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है, उसको अब हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं एट पॉइंट ए की, एट पॉइंट ए। तो जब ऑब्जेक्ट सबसे मैक्सिमम हाइट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई उसकी ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी, कितनी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो यू ज़ीरो हो गया, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, हो गई ज़ीरो। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी, और हाइट कितनी है, एच हाइट है। दैट इम्प्लाइज मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक ज़ीरो, पोटेंशियल एम जी एच। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, एम जी एच। ये आ गया आपका फर्स्ट केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की, पॉइंट बी की। ठीक है, तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करके आई, मान लो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है, ठीक है, तो यहाँ आकर अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे वो मान लो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसी ना किसी वेलोसिटी से नीचे गिरी होगी, है ना, तो वो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल क्या होता है, एम जी, और एच, एच क्या होता है, हाइट अबव द ग्राउंड। तो यहाँ हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है, यानी कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया है, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितना ऊपर है, टोटल एच है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा, एच माइनस एक्स, ये क्या होगा, एच माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे एच माइनस एक्स। तो ये तो हो गई पोटेंशियल। काइनेटिक के लिए वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, कितनी वेलोसिटी से गिरी है वो नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, बताओ कितनी वेलोसिटी से गिरा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज़ करते हैं, तो यूज़ कर लेते हैं। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल आपको निकालनी है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है। तो ऊपर से नीचे जब किसी एक्सेलरेशन से गिरते तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इनको यूज़ करते हुए, इनको ध्यान में यूज़ करते हुए याद करिए कौन सी इक्वेशन याद आएगी। पहली क्या होती है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
दूसरी होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी क्या होती है, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो सेकंड इक्वेशन में तो है ही नहीं, तो ख़त्म हो गया। फर्स्ट में टाइम, टाइम का भी कोई लेना देना नहीं, तो कौन सी बची, ये सारी दे रखी है, तो इससे हम ये यूज़ करके वेलोसिटी निकालेंगे। तो निकालिए, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो टू ए, ए क्या है, जी। एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है, एक्स। वी स्क्वायर आपको निकालना है, यू है जीरो, तो ये हो गया टू जी एक्स, ये आ गया वी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। तो कनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वन बाई टू एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना आ गया है, टू जी एक्स, टू से टू कैंसिल, तो कनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, एम जी एक्स। अब लिख देते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी, पॉइंट बी पर निकाल रहे हैं हम, है ना। दैट इज कनेटिक प्लस पोटेंशियल। कनेटिक आई है एम जी एक्स, पोटेंशियल आई थी एम जी एच माइनस एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ये एम जी एक्स, ये माइनस एम जी एक्स कैंसिल, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, एम जी एच। ये आ गए आपके सेकंड इक्वेशन। तो देखा, ए पॉइंट पे भी एम जी एच आई है, बी पॉइंट पर भी एम जी एच आई है। अच्छा, तो ये दो पॉइंट तो हो गए, अब सी पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। तो पॉइंट सी पर देखते हैं कि एम जी एच आती है, अगर आ गई तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट सी की बात करते हैं। अब पॉइंट सी में अगर हम बात करें तो कनेटिक एनर्जी, कनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी वेलोसिटी से आई है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ आके तो हाइट ख़त्म होगी ना, हाइट हो गई ज़ीरो, एच हो गया ज़ीरो, तो एम जी ज़ीरो, तो कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो, ठीक है। कनेटिक की बात कर रहे हैं अब हम, तो कनेटिक के लिए अगेन हमारे पास क्या है, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, वो निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मान लेते हैं कि इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है, टोटल टोटल h डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है अब तो, है ना। और कितनी एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगेन यही इक्वेशन लगाएंगे हम, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो टू जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वन बाई टू एम टू जी एच, ये कैंसिल, ये हो गया एम जी एच, ठीक है। ये आ गई कनेटिक एनर्जी। तो अब बात करते हैं मैकेनिकल की, मैकेनिकल इज कनेटिक प्लस पोटेंशियल। कनेटिक इज एम जी एच और पोटेंशियल हमने अभी अभी निकाली पॉइंट सी पर ज़ीरो, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, एम जी एच। तो ये तीनों ही इक्वेशन में आप देख पा रहे हो, फर्स्ट में भी एम जी एच, सेकेंड में भी एम जी एच, थर्ड में भी एम जी एच। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो द सेम, ठीक है। तो अब हम इसी सिचुएशन का ग्राफ बना के देखते हैं कि जैसे हमने बात करी थी कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही अगर हम बात करते हैं टोटल, तो एट मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी थी ज़ीरो, कनेटिक एनर्जी थी ज़ीरो, और हाइट थी पूरी की पूरी, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉपर हाइट थी। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी थी मैक्सिमम, है ना। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे, है ना, नीचे आ रहे थे, हाइट हमारी डिक्रीज कर रही थी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज कर रही थी, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे। तो यानी कि कनेटिक एनर्जी क्या कर रही थी, इंक्रीज। एट ग्राउंड लेवल या जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, हाइट हो गई ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो, एंड वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम। सो हम कह सकते हैं कनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम। अब यही सिचुएशन हम एक ग्राफ पे बनाते हैं, कैसे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है, और इधर ले लेते हैं हम हाइट, हाइट, ठीक है। इस ग्राफ को ध्यान से समझना, ये देखिए, जैसे कि ये मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट है। अब इस मैक्सिमम हाइट पे,
मान लो ये थी एनर्जी आपकी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जो थी वो क्या थी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम, है ना। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थी यहाँ पर, तो एट मैक्सिमम हाइट एनर्जी थी मैक्सिमम। कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हाइट के साथ साथ, जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हाइट डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज कर रही है। तो एट मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, तो हाइट कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, एनर्जी हमारी डाउन होती जाएगी होती जाएगी। तो इसको हम ऐसे बना देंगे। तो ये हो गया हमारा कर्व किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। कि जैसे जैसे हाइट हमारी कम हो रही थी हमारी एनर्जी भी कम हो रही थी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अब यहाँ हम बात करते हैं जब हाइट नहीं थी, हाइट ही नहीं थी, तो जब हाइट नहीं थी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है। जैसे जैसे अब हाइट बढ़ रही थी, अब जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वेलोसिटी ऊपर जाते कम हो रही है ना, वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो एट मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी है ज़ीरो। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का कर्व, ये हो जाएगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है, दिस इज द ग्राफ, ये आएगा दोनों का सम, विच इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, विच इज़ अ सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो आप हर पॉइंट पे देख सकते हो, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 जूल की एनर्जी थी, तो यहाँ पर पोटेंशियल है 0, काइनेटिक है 10, यहाँ पर पोटेंशियल है 5, काइनेटिक है 5, यहाँ पर पोटेंशियल है 10, काइनेटिक है 0। एट एवरी पॉइंट, यहाँ की भी अगर हम बात करेंगे तो कोई होगा 7 तो कोई होगा 3, है ना, कोई होगा 6 तो कोई होगा 4, लेकिन उनका सम क्या आएगा, 10। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉन्स्टेंट। तो ये था ऑल अबाउट ग्राफ। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 5.7, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्या कह रहा है, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो एक बॉब है, ठीक है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर रखा है जिसके लेंथ l है। इट इज़ इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट a, सच दैट इट कम्प्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इन अ वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट c। वो क्या कह रहे हैं कि जब हम इसको ऐसे वेलोसिटी देते हैं ना ऐसे करके, तो ये ऐसे ऐसे सेमी सर्कल राउंड लेने लग जाता है, ठीक है। सिर्फ एक इस सर्कल पे इस एक ऐसा ये सी पॉइंट ही है जहाँ पर उसकी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाती है। स्लैक का मतलब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं आती, टेंशन का मतलब जैसे खिंचाव, ठीक है, टेंशन का मतलब खिंचाव। तो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग में खिंचाव नहीं आता, राइट, बाकी हर जगह पे खिंचाव आता है। और ये इसको हम ऐसे वेलोसिटी देते हैं तो ऐसे ऐसे से घूमने लग जाती है, ओके। तो हमें क्या बताना है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट, यानी कि हमें वी नॉट फाइंड करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी, इन दोनों पे सी और बी पे क्या क्या स्पीड्स हैं वो निकालनी है। रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का बी डिवाइडेड बाय सी पॉइंट पर, दोनों पे काइनेटिक एनर्जी निकाल के उसका रेशो निकालना है। एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे जब वो पहुंच जाता है बॉब, तो वहां पर जाकर उसकी ट्रेजेक्टरी कैसा पाथ लेता है उसके ऊपर हमने कुछ बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखा जाए, यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है ना, वेलोसिटी की बात हो रही है कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, वी नॉट का एक्सप्रेशन निकालना है हमें, राइट। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करती हूँ, तो ए पॉइंट पर मेरे को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पता हैं। एक तो यहाँ पर जब इसको हमने हैंग कर रखा है, तो सबसे नीचे एक तो फोर्स लग रहा है एम जी, उसका वेट, और उसके ऊपर कौन सा है, टेंशन क्रिएट हो रही है, जो खिंचाव पड़ रहा है इसके अंदर, राइट। तो यानी कि सबसे पहले बेसिकली हमें बात करनी पड़ेगी फोर्स की, है ना, कि नीचे कितना फोर्स है, ऊपर कितना फोर्स है। और हाँ, ये घूम भी रहा है सर्कल में, तो सर्कल में अगर घूम रहा है तो यानी कि सेंट्रिपेटल फोर्स भी है। तो एक जब ये सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा तो सेंट्रिपेटल फोर्स कितना होगा, एक तो इसका वेट है ना,
ऊपर से उसकी टेंशन कितना खिंचाव है। तो टेंशन जितनी है उसमें से अगर मैं उसका वेट माइनस करूंगी उतने ही फोर्स से ये घूम रहा होगा। दोबारा सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एट पॉइंट ए ठीक है, तो जो टेंशन वाला फोर्स होगा, ठीक है, टेंशन एट पॉइंट ए, उसमें से अगर मैं इसका वेट माइनस करती हूँ, आप ऐसे भी समझ सकते हो वेट माइनस करते हो, या आप ये भी समझ सकते हो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो गया, माइनस एम जी इज इक्वल टू जितना फोर्स इसके पास बचा उतने से ये घूम रहा है, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रिपिटल है ना। तो अब हमें पता है कि टी ए माइनस एम जी, और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू सेंट्रिपिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में आर रेडियस, ठीक है। बट यहाँ पर ये कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, वी नॉट, तो यहाँ पे हम वी नॉट लिख सकते हैं कि हेयर सेंट्रिपिटल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे ना इसको सेंट्रिपिटल कर देते हैं ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि हम सी पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेंट्रिपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी नोट, और रेडियस कितना है, यानी कि आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है, दैट इज एल, तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो दिस इज टेंशन एट पॉइंट ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, ए पॉइंट की बात होगी, अब हम यहाँ पे हम सी पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट पे देखा जाए तो इसका वेट भी नीचे की तरफ है और टेंशन भी नीचे की तरफ है, दोनों ही नीचे, तो अब दोनों का जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट पॉइंट सी, ठीक है, तो टेंशन प्लस वेट, क्योंकि यहाँ टेंशन एट सी आ जाएगा, ठीक है, प्लस वेट इज इक्वल टू, अभी भी क्या कह रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स से ही घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम वी सी स्क्वायर बाय, अब हम एल डाल देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ सी का मतलब है वेलोसिटी एट सी पॉइंट, तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर मेंशन किया है वेलोसिटी, सेंट्रिपिटल वेलोसिटी, तो वहाँ पे हमने वी नोट लगा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी एट सी पॉइंट, ठीक है, ओके। बट उन्होंने बोला है एट पॉइंट सी देयर बिकमिंग स्लैक, स्लैक मतलब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, खिंचाव नहीं आ रहा, स्लैक मतलब ऐसे झोल सा पड़ रहा है, तो यानी कि खिंचाव तो आ ही नहीं रहा, तो यानी कि वहाँ पर एट पॉइंट सी टेंशन हो गई जीरो, सिर्फ क्या बच गया, एम जी बच गया, और ये हो गया एम वी स्क्वायर बाय एल, तो एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा जी एल इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी एट सी पॉइंट। निकालने चले थे हम ये वाली वेलोसिटी, है ना, निकल आई ये वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी। अभी तक तो हम सिर्फ वही लिख रहे हैं जो जो चीज़ें हमें पता है, हमें निकालनी है वी नॉट, वी नॉट निकालना है हमको, राइट। अच्छा, तो फोर्स वाले फॉर्मूले से तो वी नॉट नहीं निकला, जो जो हमें पता था वो चीज़ों से तो नहीं निकला, और हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, और हम अब ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो इस बॉब की वेलोसिटी एट ए पॉइंट होगी, सॉरी, जो एनर्जी एट ए पॉइंट होगी वही एनर्जी एट सी पॉइंट होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, यही बात है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, अकॉर्डिंग टू, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन तो ये बचता है दोनों में ये लगाने का, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, तो एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल होगी एनर्जी एट पॉइंट सी के, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, विच इज फर्दर इक्वल टू, क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी, किसकी इक्वल होती है, कनेटिक प्लस पोटेंशियल के। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि कनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू कनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, है ना। अच्छा, तो कनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी, और वी कितना था, वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, तो वी नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होता है, एम जी एच होता है, एम जी एच होता है, ठीक है। लेकिन एच क्या है यहाँ पे, ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई, तो ग्राउंड पे तो एच है ही नहीं, है ना, तो एच हो गया यहाँ पर ज़ीरो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम जी और एच की जगह पे हो जाएगा ज़ीरो, ओके। अब एट पॉइंट सी की बात करते हैं, जब ये घूम के यहाँ पर आई,
ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हाफ एम वी स्क्वायर. अब यहाँ पर वी कौन सी थी, वेलोसिटी एट सी पॉइंट, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच. अब एच कितनी, हाइट कितनी, ग्राउंड से कितनी हाइट है, ये देखो ये एक एल, ये एक एल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और एल, तो एल प्लस एल कितना हो गया 2L, तो ये हो जाएगी 2L. ठीक है, ये तो हो गया ज़ीरो आपके पास, ठीक है, ये हो गया ज़ीरो. यहाँ पे आ गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2mgL, राइट. हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है वी नॉट स्क्वायर फाइंड करना है ना. अच्छा, तो वी सी स्क्वायर, वी सी तो ऑलरेडी है ही, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. ये हो जाएगा 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी एल हो जाएगा. तो दिस इज जी एल प्लस 2mgL विच इज इक्वल टू, इनको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5/2 एम जी एल हो जाएगा. तो इसको अब न्यू पेज पे लिख देते हैं. यहाँ पे आ रहा है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है 5/2 एम जी एल, है ना, 5/2 एम जी एल. अब 2 से 2 कैंसिल, एम से एम कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर कितना आ गया 5GL, वी नॉट कितना आ गया रूट 5GL, और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था. वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो हमने कर ली. तो सबसे पहले हमने क्या नोटिस करा कि हमें जो जो चीज़ें पता हैं वो अप्लाई करते हैं एट पॉइंट ए और एट पॉइंट सी. तो एट पॉइंट ए हमें फोर्सेस के बारे में पता था, एट पॉइंट सी भी हमें फोर्सेस के बारे में पता था, तो वहाँ से वी नॉट तो नहीं निकल के आया बट वी सी निकल आया था, है ना. अच्छा, फिर हमने देखा हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बचता है. तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, वहाँ से आपके पास वी नॉट स्क्वायर निकल आया. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड क्या कह रहा है, स्पीड्स एट पॉइंट बी एंड सी. तो स्पीड आपको निकालनी है बी पॉइंट पे कितनी स्पीड है, यानी कि वी बी फाइंड करना अब आपको, एंड वी सी. तो वी सी तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही रखा है ना, वो तो हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं कि हाँ जी हमने वी सी पहले ही फाइंड कर लिया था. कितना निकल के आया था वी सी, वो तो ये टेंशन वाला फॉर्मूला लगाते ही निकला था, रूट जी एल, है ना, रूट जी एल. यहाँ लिख देते हैं रूट जी एल, तो ऑलरेडी हमारे पास निकल आया था. हमें क्या फाइंड करना है, अब वेलोसिटी एट पॉइंट बी फाइंड करनी है. ठीक है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर भी हम उसी की हेल्प ले लेते हैं ना जिसकी हेल्प से ये निकली थी. क्या निकला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकला था, है ना. तो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी आपकी ए पॉइंट पे होगी वही एनर्जी आपकी बी पॉइंट पे होगी, वही एनर्जी आपकी सी पॉइंट पे होगी. तो आप इन दोनों को में भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एनर्जी एट बी पॉइंट इक्वल होगी एनर्जी एट सी पॉइंट. ए पे भी आप लगा के इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी टोटल एनर्जी यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वही होगी, है ना. तो आप दोनों में से किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं, तो मैं सी पॉइंट को इक्वेट कर रही हूँ. तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि कनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट इक्वल्स टू कनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट. वो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ही रखा है ना. वो कितना निकल के आया था, ये निकाला था ना मैं सी पॉइंट के लिए, ये लगाया था फिर इन दोनों को प्लस कर दिया था, क्या था 5/2 एम जी एल आया था, है ना. ये देखो एट सी ये लगाया था, ये पुट करी थी, ये सॉल्व करके क्या आ गया था 5/2 एम जी एल. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 5/2 एम जी एल लिख देती हूँ, तो सारा बार बार क्यों सॉल्व करें हम, तो 5/2 एम जी एल. अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी एट बी पॉइंट. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा, एम जी एच. अब एच कितना होगा कि ये पॉइंट इस ग्राउंड से कितना ऊपर है, यस एल ऊपर है ना, तो एम जी एच की जगह एल क्या है, एल आ जाएगा, हो जाएगा 5/2 एम जी एल. ठीक है, अब ये एम जी एल इधर आ जाएगा माइनस होने के लिए, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 एम जी एल माइनस एम जी एल. इसको जब हम माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 5 माइनस 2 3/2 एम जी एल आ जाएगा.
तो लेफ्ट हैंड साइड पे है हाफ एम वी बी स्क्वायर, राइट पे है 3/2 एम जी एल, 2 से 2 कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो क्या आ गया वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 जी एल, तो वी बी कितना आ जाएगा रूट 3 जी एल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये क्या निकाल ली वेलोसिटी एट बी पॉइंट या स्पीड एट बी पॉइंट, क्लियर हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड क्या कह रहा है द रेशो ऑफ द कनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट एंड एट सी पॉइंट, तो इनकी हमने रेशो भी निकालना है कनेटिक एनर्जीज का। तो थर्ड पार्ट के लिए करते हैं, तो कनेटिक एनर्जी बी का रेशो निकालना है कनेटिक एनर्जी सी के साथ, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर हाफ एम बी सी स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, यहाँ आ जाएगा वी बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बी सी स्क्वायर, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वी बी की क्या निकाली थी हमने रूट 3 जी एल, स्क्वायर करेंगे तो 3 जी एल हो जाएगा, वी सी की क्या निकाली थी रूट जी एल, तो वी सी स्क्वायर हो जाएगा जी एल, तो ऊपर आ जाएगा 3 जी एल और नीचे आ जाएगा जी एल, तो ये कैंसिल होके ये आ गया 3/1, तो ये क्या रेशो आ रहा है 3:1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। नेक्स्ट पूछ रहा है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीच इट एज पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे जैसे ही वो आएगा तो उसका नेचर क्या होगा, उसकी क्या पाथ क्या रहेगा। अगर ऐसे कोई घूमती घूमती चीज़ यहाँ पे आती है, जैसे मान लो ये बॉब है तो ऐसे ऐसे घूमता घूमता यहाँ पे आता है, मान लो अगर इसकी स्ट्रिंग टूट जाती है किसी भी तरीके से उसकी स्ट्रिंग टूट जाती है, तो वो जो पाथ है वो कैसा लेगा, वो ऐसे स्ट्रेट पाथ ले लेगा। ये तो आप सबको पता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स में जो वेलोसिटी का जो फैक्टर होता है वो टेंजेंशियल होता है ना सेंटर से, है ना, तो यानी कि अगर ये स्ट्रिंग टूट जाएगी तो वो ऐसे सीधी पड़ेगी। अगर यहाँ से पूछते तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग टूट जाएगी तो वो यहाँ पर ऐसे सीधा जाएगा, यहाँ टूट जाते तो यहाँ से सीधा ऐसे जाता, यहाँ टूट जाते तो यहाँ से ऐसे सीधा आता। तो ये है इस चीज़ का, इसकी ये ट्रेजेक्ट्री रहेगी कि वैसे तो ये सीधा सीधा ऐसे घूमता घूमता यहाँ तक पहुँचेगा, अगर स्ट्रिंग टूटती है तो वो जो बॉब है वो सीधा यूँ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल 5.7। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।